समस्तीपुर शहर के बाईपास रोड स्थित चौरसिया पान मंडी सह विवाह भवन परिसर में सोमवार को जिला पान कृषक विकास समिति का 41वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्था के संरक्षक डॉक्टर फुलेंद्र भगत, वैशाली के जिला परिषद अध्यक्ष रमेश चौरसिया द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। अवसर पर पान कृषक की समस्याओं व उनके विकास से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम में कोठिया के मुखिया धर्मेंद्र चौरसिया, पश्चिमी पतैली के मुखिया चंद्रशेखर सिंह चौरसिया, संस्था के सचिव प्रोफेसर रामचंद्र भगत, सुभाष चौरसिया व अन्य लोगों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। बिंदेश्वर भगत की अध्यक्षता में संचालित कार्यक्रम दौरान एक पंचायत प्रतिनिधि सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें चौरसिया समाज के कई जन प्रतिनिधि को पुष्प व चादर देकर सम्मानित किया गया। उक्त कार्यक्रम में दूर दराज से आए चौरसिया समाज के कई जन प्रतिनिधि, समाज सेवी, बुद्धिजीवी समेत सैकड़ों लोग उपस्थित थे। जो हिसाब अभी तक नहीं हो पाया है, ये हमारे सामाजिक एकता का एक बैठक हुई है। इस बैठक में जो चौरसिया समाज के लोग हैं, जो मार्गदर्शक हैं, जो सामाजिक स्तर से काम कर रहे हैं, उन्हें हम आमंत्रित किए हैं, आए हैं भारी संख्या में और आने वाले हैं। एकता को मजबूत करके अपने राजनीतिक छवि में हम प्रवेश कर एक एकता से किसी भी दल, जो हमारे राष्ट्रीय पार्टी है, उसके साथ रह के उनके चलना चाहते हैं, और अगर वो नहीं चलने देंगे तो हम उनको छीन अपने हक के लिए छीन भी सकते हैं। आप भी घूमिए इधर। चैता की सुप्रिया चौरसिया जी से अनुरोध है सर, खड़े रहिए, इधर देखिएगा, इधर आगत अतिथि श्री मोहिंदा सिंह को, मोहिंदा चौरसिया जी को माला और चादर से सम्मानित करें। देखिए समाज को संगठित करना, संगठित तरीके से समाज का विकास और निर्माण। इस दीप प्रज्वलन के साथ ही कार्यक्रम का प्रारंभ, इस समारोह का प्रारंभ